गडरवारा में नर्मदापुरम के सांसद राव उदय प्रताप सिंह का आगमन हुआ। शांति दूत में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और मुलाकात की। सांसद ने चर्चा में कहा कि 250 साल पहले मुस्लिम लुटेरे लूटते चले आ रहे थे, अपनी सल्तनत बनाते जा रहे थे। उस दौर में हुशंग शाह नाम का लुटेरा वहां से निकला। उस समय नर्मदा गांव नर्मदा नगर को होशंगाबाद नाम रखकर चला गया। इससे मुक्ति दिलाने में मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर गृह मंत्री अमित शाह ने नोटिफिकेशन जारी किया। नर्मदापुरम जिला हो गया, संभाग मुख्यालय हो गया, सारे अभिलेखों में नाम बदल गया है क्योंकि लोकसभा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अभी चिन्हित नहीं हुआ है। लोकसभा के अंदर भी अभी नाम नहीं बदला, रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी अभी नाम चेंज होना है। ये सभी चीज़ें थी जो मैंने सदन में उठाई। मुझे लगता है बहुत जल्द निर्णय हो जाएगा। अंतिम रूप से होशंगाबाद का नाम विलुप्त हो जाएगा, आगे आने वाली पीढ़ी नर्मदापुरम के नाम से जानेगी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि सैकड़ों साल पुरानी हमारी जो एक समस्या थी, एक जमाने में होशंग शाह लुटेरे ने लूट करते हुए मेरे संसदीय क्षेत्र का जो मुख्यालय होशंगाबाद जिसके नाम से रखा गया था, वो होशंगाबाद नाम रख के वो चले गए थे। सैकड़ों सालों से इस चीज़ को वहाँ के लोग बड़े दुख के साथ झेल रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत सरकार का और प्रदेश की सरकार का कि पिछले 8 फरवरी को नर्मदा जयंती के अवसर पर उस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है और संभागीय मुख्यालय का नाम, जिला मुख्यालय का नाम और रेलवे स्टेशन का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। वहाँ पर उल्लेख भी होता है, वेबसाइट पर भी दर्ज किया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, जिस समय मैं ये शून्यकाल में विषय रख रहा हूँ, सामने जो नाम निकल के आ रहा है वहाँ उदय प्रताप सिंह होशंगाबाद लिखा हुआ है, तो लोकसभा के अंदर और इलेक्शन की हमारी जो वेबसाइट चुनाव आयोग के यहाँ पर भी ये नाम परिवर्तित हो और होशंगाबाद की जगह नर्मदापुरम नाम कर दिया जाए, जिससे अंतिम रूप से होशंग शाह लुटेरे की जो स्मृति है उसको हम समाप्त कर सकें, अपने जहन से निकाल सकें। आपके माध्यम से यही सरकार से अनुरोध है। धन्यवाद। आपने कहा है कि होशंग शाह के नाम से यह नाम रखा गया था, क्योंकि अभी इलेक्शन में और लोकसभा में यह नाम नहीं आया, क्या कहेंगे? ये 250 साल पहले जब मुस्लिम लुटेरे पूरे देश में देशाटन भी करते थे और लूटते हुए चले जा रहे हैं और अपनी सल्तनत बनाते जा रहे हैं, उस दौर में होशंग शाह नाम का लुटेरा वहाँ से निकला होगा और उस समय का नर्मदा नगर, नर्मदा गांव जो भी था उसको होशंगाबाद कर दिया। तो इससे मुक्ति दिलाने में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी और भारत सरकार में माननीय मोदी जी के निर्देश पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया और आज नर्मदापुरम जिला हो गया, संभाग मुख्यालय हो गया, तो सारे अभिलेखों में बदल गया। चूँकि लोकसभा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अभी चेंज नहीं हुआ और लोकसभा के अंदर भी नाम नहीं बदला है और रेलवे का भी अभी प्लेटफॉर्म पर नाम चेंज होना, ये सब चीज़ें थी जो सदन में उठाई। मुझे लगता है बहुत जल्दी इस पर निर्णय हो जाएगा और अंतिम रूप से होशंगाबाद नाम अवलोकित कर दिया जाएगा और नर्मदापुरम के रूप में लोग आगे आने वाली पीढ़ी और हम सब लोग नर्मदापुरम के रूप में शहर को जाएंगे। राजस्व में इसका नाम अभी आया कि नहीं? नहीं, राजस्व बदल गया, राजस्व में परिवर्तित हो गया है। होशंगाबाद तहसील, होशंगाबाद सब डिवीज़न, होशंगाबाद जिला, होशंगाबाद संभाग, ये परिवर्तित कर दिया गया है, नोटिफिकेशन हो गया और पेपर में अभिलेखों में भी आ गया है। और केवल राष्ट्रीय स्तर पर जो परिवर्तन होना है कि ब्लॉक, रेलवे और इलेक्शन कमीशन, ये सब भारतीय मतलब राष्ट्रीय नेतृत्व इसको करेगा, भारत की सरकार करेगी, वहाँ से केवल नोटिफिकेशन जारी होना। मुझे लगता है। गडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।